बात हो ATS की, LDCO की, या फिर हो गोदरेज फार्म रिट्रीट की, या फिर हो समृद्धि लग्जूरिया, सभी यहाँ पर हैं। खास एस पार्क वे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। जैसे कि आप जानते हैं नोएडा का सेक्टर 150, जो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और बिल्डिंगें कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे यहाँ के रेट भी बढ़ रहे हैं, आप वाइड रोड्स देख रहे हैं, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, एक्सप्रेसवे के नियर बाय हैं। तो चलिए करते हैं बात ATS से, ATS का ऑर्चर्ड्स और ATS का हाइडवे। तो इसमें अभी ATS ऑर्चर्ड्स में 3 BHK 4 BHK अवेलेबल हैं, जो बड़े साइज़ में अवेलेबल हैं। अगर जिनको साइज़ चाहिए 2000+ स्क्वायर फीट, तो वो यहाँ पे ले सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। सेकंड आता है समृद्धि लग्जूरिया, जिसमें 2 BHK 3 BHK ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये पोजीशन देने जा रहा है दिवाली के बाद, तो कुछ ही इन्वेंट्री फेज़ वन में अवेलेबल है, तो इसमें भी आप ले सकते हैं। 1165 से मिनिमम स्टार्ट हो जाता है साइज़ 2 BHK। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि डबल लॉबी हाइट एंट्रेंस और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, समृद्धि ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। जैसे कि एंट्रेंस करते हैं तो आपको लिफ्ट एरिया मिलता है, किड्स एरिया मिलता है, इंडिविजुअल टावर में इन्होंने एक वर्क स्टेशन और पार्टी हॉल दिया हुआ है, और ये इसका लिफ्ट एरिया और स्टेयर्स, तो इसमें आप ले सकते हैं। और ये आ जाता है आपका गोदरेज का फार्म रिट्रीट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया है गोदरेज। इसमें इसमें क्या है कि हाई राइज भी है, लो राइज भी है। तो लो राइज जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ग्राउंड +6 की हाइट है इसमें। और इसमें मेन पार्ट ये है कि इसमें रूफ़ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा एक ग्रीन पार्ट वॉकिंग बनाया हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसमें भी आप ले सकते हैं। 2 BHK से स्टार्ट हो जाता है, आइकॉनिक टावर भी है, कॉस्ट इसका काफ़ी हाई है। गोदरेज की क्वालिटी आप जानते हैं, तो अच्छा प्रोडक्ट भी बनाता है और काफ़ी उसका हाई चार्ज भी। तो आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल या परचेज करना चाहते हैं नोएडा सेक्टर 150 में, तो आप कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है गोदरेज की, और मेन रोड पर 45 मीटर रोड पर ये स्थित है। करेंगे और भी प्रोजेक्ट की बात पूरे नोएडा सेक्टर 150 की। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा चैनल, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब आते हैं हम इसमें खास नोएडा सेक्टर 150 गोल्फ कोर्स। जी हाँ, अथॉरिटी का गोल्फ कोर्स, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं बनता हुआ, LDCO, गोदरेज, नेस्ट, नर्चर, प्रतीक, कैनरी, और ये आपके सामने जो एरिया है ग्रीन एरिया, ये है गोल्फ कोर्स जो नोएडा अथॉरिटी है। इसका व्यू मिलेगा प्रतीक कैनरी, गोदरेज, ATS का हाइडवे को मिलेगा, LDCO को इसका बेनिफिट्स मिलेगा, एंड आपको मिलेगा टाटा वालों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपका ATS हाइडवे की बिल्डिंग्स आप सामने देख रहे हैं, काफ़ी हाई स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है। ये थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं, LDCO के टावर नज़र आ रहे हैं आपको, जिसको डायरेक्ट आप LDCO में भी ले सकते हैं। 1137 से मिनिमम साइज स्टार्ट है, 1404 3 BHK। अब आते हैं टाटा वैल्यू होम्स, जो कि टाटा का ब्रांड है, फर्स्ट टाइम आया है नोएडा में। तो यहाँ पे भी 2 BHK 3 BHK ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर आप पूरे नोएडा में किसी प्रोजेक्ट में लेना चाह रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही ये देख रहे हैं आप LDCO क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें बहुत ही अच्छा प्यारा लुक दिया है LDCO ने। 2 BHK 3 BHK ऑप्शन है अभी यहाँ पर अवेलेबल, और ये आप देख रहे हैं सामने ATS हेड। तो आप कमेंट करके या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।